हेलो क्रिकेट क्रिकेटर ख़ान क्रिकेट मैदा के साथ जी हाँ कामरान गुलाम ने जो है बाजी पलट दी है और बाबर आजम के यानी कि मैच वाले सालगिरह वाले दिन डेब्यू पे सेंचुरी बना के सबको थप्पड़े मारे हैं चपेटे मारी हैं टाइट किस्म की ऊपर से नीचे सबको क्योंकि भाई देखिए अब इतने अरसे से कह रहे थे कि नए टैलेंट को लाओ नए खून को लाओ लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था लेकिन अब देखें उसमें ही है इनिंग्स के अंदर पहली डेब्यू में टेस्ट सेंचुरी मारती ये नहीं है पहली बहुत बहुत सारे पाकिस्तानी बैट्समैन मार चुके हैं जावेद जाविद सलीम मलिक लंबी लिस्ट है अली नफ़ी और आबिद अली वो भी जा रहे हैं आबिद अली को दिया पिछले दो साल से जो डेब्यू कर रहे थे फिर यासिर हमीद अंदर डबल मारी भी है सिर्फ वही और एक दूसरा अब वेस्ट इंडीज़ का एक प्लेयर है उससे उसने उन दोनों ने एक डेब्यू यानी दोनों टेस्ट इनिंग्स में सेंचरीज़ मारी हैं तो ये भी एक यासिर अमीद के पास भी तो इतने से जो कुछ कह रहे थे कि भाई नया ब्लड लाओ चीज़ों को चेंज करो तो अभी जाके कुछ मामला बनेंगे आगे तो वरना ये नहीं होगा मामला तो ये ग्यारहवें बारह बहन भाई में ग्यारहवें नंबर पर चार बहनों के साथ अपर दिए और ये सेलेक्ट भी हुआ था ये दो के अंदर पंद्रह साल से खेल रहा है बेचारा अब जाके और 2021 हज़ार इक्कीस में जमन्यूफी की जो होम सीरीज़ थी उसके अंदर उसको सेलेक्ट किया गया था लेकिन मौका नहीं दिया गया था अब जाके मौका मिला और फिर वनडे स्काउट हुआ था न्यूज़ीलैंड के खिलाफ लास्ट ईयर तो उसमें हारिस सुयल के मुतद के तौर पर रखा गया था सामर गुलाम को लेकिन अब जाके उसने प्रूफ किया हालांकि उसको एक चांस भी मिला सेवेंटी नाइन पे टिकेट ने उसका कैच ड्रॉप किया लेकिन भाई स्ट्रॉन्ग अच्छी चीज स्ट्रॉग इनिंग खेली रन बनाए काफ़ी बेहतरीन रहे उनके अभी भी मैच के हम कुछ कह नहीं सकते कि टेस्ट केस के पे के क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान कितने कितना था अभी जो सब सेकेंड इनिंग्स देख रहे हैं उसमें सेकेंड इनिंग साढ़े तीन सौ चार सौ के करीब कोई रन पाकिस्तान बना चुका है जो हमें रिकॉर्ड करा रहे हैं फिर तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि नए ब्लड को नए खिलाड़ियों को ले कर आना हो फिर उनको चांस देना हो पैर डहपी हुए इतने अर्से हम कह रहे थे तो वो चीज़ अब साबित हो गई है अब देखना है कि इसको ये कराने में कितना अर्से तक इस चीज़ को कामयाब रखते हैं नए खिलाड़ियों को इंट्रोड्यूस कराने में और ये जब तक नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ चलती रहेगी कि पुराने खिलाड़ी को निकालें और नए ब्लड को डालें वही जो है उसको पाकिस्तान क्रिकेट में जान डाल सकते हैं जो दो साल से मसल हारे चले जा रही है सही मयूर सही मयूर ने भी अच्छी कल बैटिंग की हालांकि जो पहले टेस्ट में जिस तरह सेकंड इनिंग में इनिंग्स दी थी विकेट दी थी साई मयूर ने तो बहुत से कैसा रही हुई थी कि उसको वन ट्वेंटी ट्वेंटी में खेलना आता उसको टेस्ट खिलाया जाना तो कल वो बदकिसमती से अपनी से सेंचुरी कम्प्लीट नहीं कर सके और अब देखते हैं उसमें होता क्या है कि आने वाले दिनों में ये कितने रन बनाते हैं इंग्लैंड की टीम तो हम अपनी कवरेज जारी रखेंगे और कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो रिचर्ड थॉमसन है सी ए ई सी बी के तो उन्होंने कहा कि अगर भारत नहीं आता पाकिस्तान में तो शायद उसको हाइब्रिड मॉडल पर चलाएँ तो ये भी अभी ख़बर आई लेकिन अभी ओ सी की जो शंघाई तंजीम तंजीम की जो हो रही है उसमें जयशंकर आ चुके हैं तो उसमें उम्मीद है कि शायद वो आ जाए पर इंडियन टीम क्योंकि ये हो रहा था कि वो नहीं आते तो शायद ये इस तरह का मामला हो जाता है लेकिन सियासी मामला आने वाले वक्त भी बताएगा दो तीन दिन पड़े उसमें कि इंडिया आता है या नहीं आता लेकिन हमारे देख देखने अगर आ जाए तो बेहतर है वरना फिर वही मसला हो जाएगा कि ये कि कहाँ खेलें और कहाँ ना खेलें तो ये अभी तक ये अपडेट थी सारी क्रिकेट के हवाले से हम अपनी कवरेज जारी रखेंगे हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट्स करें और उसके बाद जो भी हमारे वीलॉग्स हैं उसमें कवर कवरेज करते रहेंगे इंग्लैंड की सीरीज़ की और आने वाली सारी सीरीज की तो अपने अपने चैनल वालों का बहुत ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग के साथ फिर हमारा